बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं फैमिली के साथ डिनर करने शेफ लॉन्च में गई। सबसे पहले तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा था। हमने ऑर्डर किया कंग पाओ चिकन और एग फ्राई राइस। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग था। मैंने सोचा क्यों ना घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राई राइस और कंग पाओ चिकन बनाया जाए। तो आइए आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करें और वीडियो को पूरी वॉच करें। बहुत अमेजिंग रेसिपी है। सबसे पहले कंग पाओ चिकन की मैं मैरिनेशन करूँगी। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन। इसमें 1/2 tablespoon नमक, 1/2 tablespoon ब्लैक पेपर, 1 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon विनेगर, 1 egg और 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया और 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी कंग पाओ चिकन की सॉस। सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 1 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon चिली सॉस, 1 tablespoon विनेगर, 1 tablespoon हॉट सॉस और 1 tablespoon ही हनी और 1 tablespoon पानी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डालकर मैरिनेट किया हुआ चिकन फ्राई करना है। दूसरी साइड पर एग फ्राइड राइस की वेजिटेबल को फ्राई करने लगी हूँ, जिसमें शामिल हैं शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, बॉयल्ड मटर और चिकन। इन्हें अब मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। साथ चिकन भी फ्राई हो रहा है और वेजी भी फ्राई हो रही हैं। ये देखें, सारी वेजिटेबल और चिकन फ्राई हो गए हैं। इन्हें मैं प्लेट पे निकाल रही हूँ। साथ ही चिकन भी फ्राई हो गया है और इसको भी निकाल लेती हूँ। अब चावल बॉयल करने के लिए पानी रखा है, इसमें ऑयल और नमक डाल दिया है। पानी बॉइल्ड होने पर इसमें चावल डाल दिए हैं, जो कि 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रखे हुए थे। ये देखें, चावल बॉइल हो गए हैं। अब इन्हें मैं स्ट्रेन करने लगी हूँ। अब एग फ्राई राइस के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, इसमें 2 अंडे फ्राई किए हैं। अंडों में सोया सॉस, चिली सॉस और बॉइल्ड फ्राई वेजिटेबल डालकर अच्छे से भून लिया है और बाद में बॉइल्ड चावल डालकर अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 tablespoon जर्दा रंग डालकर इसको मैंने दम लगा दिया। अच्छा जी, अब लेते हैं एक पैन। इसमें डाला है मैंने ऑयल। ऑयल में लहसुन फ्राई किया है और साथ ही मैंने डाल दी है शिमला मिर्च। लहसुन और शिमला मिर्च फ्राई हो गई हैं और अब इसमें मैंने फ्राइड चिकन डाल दिया है और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब जो मैंने स्टार्टर में सॉस बनाई थी, अब मैंने वो भी डाल दिए। अब इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। 1 प्याली में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसे मिक्स करके अब इसमें डाल दिया है। नट्स से इसका जायका मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ये जी, ये बिल्कुल तैयार है। कंग पाओ चिकन की स्पेशल बात ये है कि इसमें नट्स होते हैं और नट्स में मूंगफली और काजू डाल रही हूँ। ये देखें जी, ये है इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही टेस्टी बना है।
मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।